तो जैसा आपने देखा कि किस तरीके से एग्ज़ाम कंट्रोलर ने कॉलर खींचा स्टूडेंट का, तो EU प्रशासन कहें या गुंडा कहें, अब बात एक सी हो जाती है। अगर शांतिपूर्वक आंदोलन में भी ये लोग लाठी चार्ज कराते हैं तो ये पावर का गलत यूज़ है और सिर्फ ये गुंडागर्दी है। यहाँ पे एग्ज़ाम कंट्रोलर खुद आके कॉलर खींच रहे हैं स्टूडेंट का, जिसमें से काफ़ी लोगों को चोटें भी आई हैं आज लाठी चार्ज में। तो समझ सकते हैं कि किस तरीके का बर्ताव रहा है। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर ज़रूर करिए, ये वीडियो कल तक सबके पास पहुँचना चाहिए। आगे मैं और दिखाता हूँ कि आज के दिन क्या क्या हुआ, वीडियो से अब ज़्यादा बेहतर समझेंगे। अभी तो आपने ये देखा था कि आगे देखिए, साफ साफ कह रहे हैं कि सीधे चले जाओ नहीं तो लाठी चार्ज करा देंगे। तो आगे वीडियो में आप ज़रूर देखिए और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा, चीज़ें स्पष्ट हो गई होंगी कि क्या हुआ है। तो यहाँ पे ये एग्ज़ाम के लिए लेकर जो प्रोटेस्ट हो रहा है, आपको भी पता है कि UGC के अकॉर्डिंग अगर 150 दिन की क्लासेस नहीं चली हैं तो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम नहीं ले सकती। तो अब ये UGC का भी कहाँ नहीं मान रहे और किस तरीके से गलत चीज़ें यहाँ पे सीधे बताई जा रही कि आपका क्लास 100% चला है, जो कि बिल्कुल भी गलत है। 100% तो छोड़िए, अगर 50% भी क्लासेस चली होती तो ये हालात ना होते। तो यहाँ पर मुश्किल से 100 दिन भी क्लासेस नहीं चली हैं, 150 दिन तो बहुत दूर की बात हो गई। तो UGC, जैसा कि मैंने पहले कहा, 150 दिन अगर क्लासेस नहीं चली हैं तो एग्ज़ाम नहीं ले सकती। अब ये किस बेसिस पे ले रहे हैं, अपना डाटा इन्होंने खुद से तैयार किया है, इन्होंने फैब से बिना छुट्टियों को काउंट किए डाटा तैयार किया है, जो कि बिल्कुल गलत है। और बहुत ही गर्व से ये कहते हैं कि क्लासेस पूरी 100% चली हैं, जो कि बिल्कुल भी गलत है। ये उनको भी पता है और जितने स्टूडेंट हैं उनको तो पता है ही किस तरीके के कोर्स यहाँ पर कम्प्लीट हुए हैं। अगर कोर्स ही कम्प्लीट हैं तो एक्स्ट्रा क्लासेस किस नाम पर ली जा रही हैं, किस लिए एक्स्ट्रा क्लासेस ली जा रही हैं, ये जवाब भी तो उनको देना चाहिए। तो प्रशासन अब सिर्फ गुंडागर्दी पे उतर आया है, सोच रहे हैं कि इनको मार के भगाया जाए, जैसा कि पिछली बार भी किया था इन्होंने। तो यहाँ से देखते हैं कल का प्रोटेस्ट कैसे जारी रहता है। आज के दिन जो भी हुआ आपके सामने है, तो डिसाइड करिए कि इनको कैसे मैनिपुलेट किया जाए, कैसे इनको इनकी लाइन पर लाया जाए। जो कि जब स्टूडेंट ने पढ़ा ही नहीं है तो एग्ज़ाम वो क्या देगा, आपने पढ़ाया नहीं तो एग्ज़ाम आप लेंगे क्या। तो 20% सिलेबस रिड्यूस करने से काम नहीं होगा। यहाँ पे जब 50% भी आपने नहीं पढ़ाया तो किस बेसिस पे आप एग्ज़ाम ले सकते हैं, वो भी पूरे गर्व से कहते हैं कि आप हमारी 100% क्लासेस चली हैं। एंड जो है आपके सामने है, वीडियो को शेयर करिए एंड कल देखते हैं क्या होता है।